पुराने जिद्दी दाद खाज की खुजली पहले दिन से शांत करें। चर्म रोग का देसी इलाज। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नीम के पत्ते खाने में कितने कड़वे होते हैं और इसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस खत्म करने की बड़ी ही ताकत और क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ कई तरह के चर्म रोग, दाद खाज खुजली से हमारे शरीर पर होने की शिकायत बढ़ती है और इसे ठीक करने के लिए पहले हम कई तरह की दवाइयों पर खर्च करते हैं, फिर कई ट्यूब लगाते हैं, एक खत्म होने पर दूसरी और फिर तीसरी ट्यूब लगाते हैं, लेकिन पुराने दाद खाज वैसे के वैसे जस के तस रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन है जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता और इसके लिए आज हम एक ऐसी देसी और नेचुरल रेमेडी लेकर आए हैं जो आपके दाद खाज खुजली को 100% ठीक करेगी। और उसके बाद फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि दोबारा हो सकती है, आपको ऐसी रेमेडी पता होगी जिससे आप आसानी से दाद खाज खुजली को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे और इस पर आपको आराम मिलेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको इस रेमेडी को बनाना है और अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी पूरी तरह से फायदेमंद नहीं होती। इस उपाय के लिए पहले दोस्तों हम यहाँ पर ले लीजिए ये एलोवेरा के पीस को। हमने यहाँ पर एक बिल्कुल ताजा एलोवेरा लिया है। एलोवेरा में दोस्तों दाद खाज की खुजली शांत करने के लिए बहुत ही अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ये हमारी खुजली को शांत करती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कीजिए, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लीजिए। अब एक फ्रेश एलोवेरा को साइड से काट कर इसका हम जेल निकालेंगे। जेल आपको यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के बराबर निकालना है। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी एलोवेरा के पीस का आप इस्तेमाल करें, उसे पहले अच्छे से धोएं और उसके बाद 5 मिनट तक पड़ा रहने दें और उसके बाद उसमें से येलो कलर का उसका पॉइजन निकलेगा और फिर हम उसे दोबारा धोकर इस्तेमाल करेंगे। और हमें यहाँ पर जेल कितना निकालना है, वो दोस्तों हमें यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के बराबर इस तरह से इसका जेल निकालना है। और इसके बाद हमें इस्तेमाल में लेना है इस पेस्ट को। ये पेस्ट दोस्तों नीम का पेस्ट है और इतना फायदेमंद है कि दाद खाज खुजली के साथ साथ स्किन की जिन्हें एलर्जी है, चमड़ी रोग के साथ साथ जिन्हें बहुत ज्यादा चमड़ी में जलन महसूस होती है, खुजली महसूस होती है, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहने या धूप में बाहर निकलने पर जिनको स्किन में जलन, खुजली, खारिश महसूस होती है, उसके लिए नीम का पेस्ट दोस्तों ठंडक का काम करता है। इस नीम पेस्ट को तैयार आपको कैसे करना है, इसके लिए आप इस तरह से नीम के कुछ पत्तियां लीजिए। 1 कटोरी के बराबर नीम की पत्तियों को अच्छे से साफ करके धो लीजिए और बिल्कुल जरा सा 1 से 2 चम्मच पानी डालिए और ग्राइंड करके इसका इस तरह से एक पेस्ट तैयार कीजिए। और इसे बनाने के लिए 1 खाली कटोरी में 1.5 चम्मच जो है हम यहाँ पर नीम का पेस्ट डालेंगे। आप दोस्तों देखिए, नीम का पेस्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हुआ है, पूरी तरह से ग्राइंड हुआ है। आपको भी इस तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है और साथ में ये जो एलोवेरा जेल हमने तैयार किया था हम वो मिलाएंगे। हम इसे 2 चम्मच डालेंगे, 1.5 चम्मच नीम का पेस्ट और 2 चम्मच एलोवेरा जेल एक बार के इस्तेमाल के लिए आपको दोस्तों डालना है। और आखिर में आपको इसमें यहाँ पर मिलाना है दोस्तों ये कपूर को। बड़े बड़े चमड़ी विशेषज्ञ और दोस्तों हमारे दादा परदादा कपूर का इस्तेमाल विशेष तौर पर चर्म रोग के लिए किया करते थे। आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कपूर लेना है। कपूर आपको किराने की दुकान से, जहाँ से हम खाने का सामान लेते हैं, वहीं से मिल जाएगा। और आप यहाँ पर पूजा वाला कपूर लीजिए और इसका इस तरह से एक पीस लेना है और एक बार के लिए इसे बारीक पीस कर इसे हम यहाँ पर इस पेस्ट में मिलाएंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर चम्मच से इस पेस्ट को अच्छे से हिलाएंगे। इसे दोस्तों हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये कपूर और ये एलोवेरा जेल इसमें अच्छे से मिल जाए और ये पेस्ट तैयार हो जाए। आपको एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब तक आपके स्किन पर एलर्जी होगी, तब तक ना तो आपको किसी साबुन, फेस वॉश, किसी तरह का कोई बॉडी लोशन या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको वहां पर नहीं लगाना जहां पर आपके दाद खाज खुजली या किसी भी तरह की स्किन एलर्जी या कोई इन्फेक्शन है। और इस देसी इलाज का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस उपाय का इस्तेमाल करने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये हमारा तैयार हो जाए हमें अपनी स्किन पर इसे लगाना है। जहां पर भी आपके चमड़ी रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, कहीं पर भी, वहां पर हम इसे इस तरह से चम्मच से डालेंगे। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। आप इस तरह से रुई यानी कि कॉटन का पीस लीजिए और अपनी स्किन पर इसे लगाइए। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाथ पहले अच्छे से साफ कर लें और फिर जो है आपके जहाँ पर स्किन रोग है, आपकी त्वचा पर जहाँ जलन होती है, चर्म रोग यानी कि दाद खाज खुजली है, या फिर आपकी स्किन ड्राई हो रही है खुजली के कारण, वहाँ पर पापड़ी बन रही है, वहाँ पर आप इसे लगाइए।
इसे पूरा कवर अप कर लें, आप इसे इतना लगाइए कि आपकी जो स्किन का रोग है वो दिखे ना इसे लगाने के बाद। और जैसे ही आप इसे लगाएंगे 5 से 10 मिनट में ही आपको इसके आराम मिलने लगेंगे। और जब ये अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसे उतारना है। और इसे उतारने के लिए आपको साधारण पानी लेना है, नॉर्मल ठंडा ना गर्म, साधारण पानी लेना है और इसे साफ करना है। आपको कोई भी साबुन, किसी भी लोशन या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे में ही दोस्तों आपको इसे असर भी दिखेंगे। रोजाना लगाने से आपकी दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या, स्किन पर जलन होती है, चमड़ी रोग है, कोई भी स्किन एलर्जी है वो पूरी तरह से ठीक होगी और आपको आराम मिलेगा। और कुछ दिन के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि वहां पर कभी दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या थी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।